एंड वेलकम टू बैक आवर चैनल ए एम ऑल थिंग सॉल्यूशन। टुडेज मैथ सॉल्यूशन इज हाउ टू सॉल्व पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें इसमें पेरीमीटर बताना है रेक्टेंगल का, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसमें हम कुछ नंबर्स राइट करते हैं, जैसे कि 10 और ये 10। ओके, अब यहाँ पर हमने राइट किया 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। देन यहाँ पर हमें राइट करना है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन के रेडी हो गया। ओके, आपको ये वाली लाइन जो है रखनी है 10 सेंटीमीटर की और ये 6 सेंटीमीटर की। अब हमें इसमें पेरीमीटर फाइंड करना है, वो भी किसका, रेक्टेंगल का। इसके 2 मेथड्स होते हैं, वो मैं आपको आज हम इन्हीं मेथड्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला मेथड देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है 10 सेंटीमीटर प्लस करेंगे हम 6 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर से प्लस करेंगे 10 सेंटीमीटर और उसके बाद फिर से हम 6 सेंटीमीटर राइट करेंगे। वी हैव राइट 4 डिजिट विच आर गिविंग इन द रेक्टेंगल आउटसाइड। ओके, सो हमने इनको राइट किया, 10 10 कितना होता है 20, एवरीबडी नो अबाउट दैट। और 6 और 6 कितना होता है 12, 20 प्लस 12 हो जाएगा 32। सो इसका ये आंसर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले मेथड की, जो आपका इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, सो लेट्स सी। सेकंड मेथड ये है कि आपको राइट करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर राइट करने के बाद जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ एजेंट साइड्स। ओके, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होगा। हमारे पास है 10 और 6। ओके, सो ये हमारा एक नंबर है, यानी कि ये नीचे वाली साइड में भी यूज़ हुआ है और ऊपर वाली साइड में भी यूज़ हुआ है। पहले हम इसको प्लस करते हैं, 10 और 6 कितना होता है 16, और जो आपका ये 2 दे रखा है इसको आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अगर आपकी साइड्स दोनों सेम है, जैसे कि 10 और 10, 6 इस साइड में भी है और 6 उस साइड में भी है, सो आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना होता है, उन दोनों को प्लस करना होता है। डिफरेंट डिजिट हमें राइट करनी होती है। ओके, जैसे कि हमारे पास 10 था और हमें इसमें 2 times 10 राइट नहीं करना है, सिर्फ 1 time राइट करना है। ऐसे ही 6 भी हमें 1 time राइट करना है और इनको प्लस करके जो हमारा आंसर आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, जो कि हमारा पेरीमीटर है। ठीक है, फिर इसका आंसर सेम आएगा, वो होगा 32 सेंटीमीटर। ये होता है हमारा फॉर्मूला जो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल को सॉल्व करता है। ओके, जिसमें हमें पता लग जाता है कि हमारे रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है। सो इसका टोटल पेरीमीटर है 32, और वो भी मैंने आपको 2 मेथड्स में बताया। ओके, आपको इसी तरीके से सॉल्व करते रहना है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ये वाला इजी है आपके लिए या फिर ये वाला इजी है। ये आप